नए साल पर लोगों की पहली पसंद, एमपी के मिनी गोवा में पर्यटकों की भीड़, पानी और हवा के बीच रोमांच का मजा, एडवेंचर के साथ कल्चरल का आनंद, टेंट सिटी में होगा कैंपिंग का सपना पूरा, वाटर के साथ एयर एक्टिविटी जीतेगी दिल। दिसंबर की शुरुआत होते ही लोगों को नए साल का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार नए साल पर मिनी गोवा कहा जाने वाला हनुवंतिया टापू लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ का जल महोत्सव लोगों को अपनी तरफ इतना आकर्षित कर रहा है कि नए साल के शुरू होने से पहले ही यहाँ की सीटें तेजी से भर रही है। एडवेंचर से भरी हुई इस जगह में पानी से लेकर हवा तक में उड़ने का मजा लिया जा सकता है, जिसके लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं। इनका ले सकेंगे भरपूर आनंद, फ्लाइंग इन्फ्लेटेबल बोट, फ्लोटिंग वेलनेस स्पा, स्कूबा डाइविंग, बोरियामल नाइट सफारी, लग्जरी रीगल सीरीज बोट, बनाना राइडिंग, वॉल क्लाइंबिंग, पैरा मॉनिटरिंग, पैरा सीलिंग, हॉट एयर बैलून एडवेंचर गेम, आइलैंड क्रूज, स्पीड बोटिंग, स्विंग ब्रिज, जिपलाइन साइकिलिंग, स्काई साइकिलिंग, जेट स्काई, हॉट एयर बलूनिंग, मोटर बोट राइडिंग, तीरंदाजी, पेंट बॉल, ईल्ड हेलीकॉप्टर की सवारी, बैल की सवारी, जंगल सफारी और कई इंडोर गेम। इंदिरा सागर बांध के जलाशय में बसाए गए हनुवंतिया टापू पर 8वें जल महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हनुवंतिया टापू को भारत में सबसे बड़े जल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पर्यटक इस विशाल आयोजन में कई एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए आते हैं। 2 महीने तक चलने वाले फेस्टिवल में जल, थल और वायु में एडवेंचर गेम होते हैं। इसके अलावा आइलैंड के नज़ारे और एडवेंचर इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। स्थानीय लोग अक्सर हनुवंतिया द्वीप पर 2 दिन का समय बिताते हैं और मध्य प्रदेश के पर्यटक एक स्फूर्तिदायक अनुभव के लिए इस स्थान पर आते हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पे जल महोत्सव हनुवंतिया हो रहा है। और इस वर्ष मेन खास बात यह है कि पहले पर्यटकों के लिए टेंट सिटी में जाने की कोई एंट्री नहीं थी। एक तो इस बार पर्यटक टेंट सिटी में जाकर और वहां पे वाटर स्पोर्ट्स का और दूसरी सब एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल कुछ नई लेटेस्ट पैरामोटर मशीनें आई हैं, जो हेलीकॉप्टर में इंजन यूज होता है, रोटेक्स 582 इंजन के साथ 3 नई मशीनें यहाँ पे उड़ रही हैं। और पर्यटकों के लिए इस बार राइड भी का ड्यूरेशन बढ़ाया है और लिमिट नहीं बढ़ाई है, सबसे अच्छी बात ये है, और उसका समय बढ़ाया है ताकि पर्यटक ज़्यादा देर हवा में रह सके। और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे आए हनुवंतिया में, बहुत सुहावना मौसम है। पूरे इंडिया में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मगर हनुवंतिया एक ऐसी जगह है जहाँ नॉर्मल मौसम है, रात को भी हम टी शर्ट में घूमते हैं और समुद्र का किनारा है, गोवा जैसा आनंद लोग यहाँ पे एक अच्छी टेंट सिटी में रहकर एंजॉय कर सकते हैं। इस वर्ष न्यू ईयर पे कुछ बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम है लोगों के लिए और 31 दिसंबर लोग यहां पर आके मना सकते हैं। नए साल पर नए अनुभव का लुफ्त, सो कॉटेज की टेंट सिटी, 12 रॉयल, 50 लग्जरी, 38 डीलक्स कॉटेज, हाउस बोट की सुविधा, जलाशय के बीच पार्टी, सगाई पार्टी जैसे इवेंट, नाइट रॉक बैंड के साथ कल्चरल प्रोग्राम, निमार के गणगौर नृत्य की परफॉर्मेंस, संगीत से भरी शाम और मजेदार गेम्स। जल महोत्सव में इस बार हाउस बोट की सुविधा नहीं है। हाउस बोट पर घूमने के साथ लोग जलाशय के बीच पार्टी का लुफ्त भी उठा सकेंगे, सगाई पार्टी जैसे इवेंट हो सकेंगे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने म्यूजिशियन राहुल अय्यर और उनके रॉक बैंड को बुलाया है। 31 की नाइट रॉक बैंड के साथ कल्चरल प्रोग्राम में निमार के गणगौर नृत्य की परफॉर्मेंस भी होगी। इस बार टेंट सिटी में 100 कॉटेज तैयार किए हैं, इनमें 12 रॉयल, 50 लग्जरी और 38 डीलक्स कॉटेज हैं। इस दौरान पहली बार टेंट सिटी के अंदर ही मार्केट लगाया जा रहा है, जिसमें खाने की दुकानों के अलावा क्राफ्ट आइटम भी है। हनुमंतिया में और यहाँ पर जो है जल महोत्सव की शान इस बार बनी है पैरामोटर, और पैरामोटर को जो है देखने और उसको एंजॉयमेंट करने के लिए बहुत बहुत दूर से यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं। इस तरह से पैरामोटर है जिसको मिनी हवाई जहाज कहा जाता है,
ये जो पैराशूट लगाया जाता है जिसको सेफ्टी के साथ यहाँ पे राइड कराई जा रही है, और कुरुक्षेत्र हरियाणा की जो कंपनी है वो यहाँ पर आई है। सबसे पहले हमारे साथ कुछ पर्यटक भी हैं। आप कहाँ से आए मैडम? महाराष्ट्र से। कहाँ से आए महाराष्ट्र से? अमरावती से। तो आप पहली बार राइड कर रहे हैं? हाँ जी। तो कैसा क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पर हनुमंतिया जब आए थे? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी लगेगा और अच्छा। मतलब उत्साह है, खुशी है दिल के अंदर। तो आप जैसे पायलट साहब भी हैं, आपका नाम क्या है वैसे? सुभाष दुर्वे जी। ये जो मोटर इस बार नई लगी है, नया पैराशूट दिख रहा है, आप कहाँ के हैं? मतलब मैं यही हूँ। यही के हो ना? तो एमपी के ही हैं। तो आप जो ये सिखा रहे हैं क्या क्या सेफ्टी होती है इसमें? सर सेफ्टी है 0%, मतलब इसमें है पैराशूट मेरा सेफ्टी है। तो ये जो राइट होती है कितने मिनट की होती है, क्या होती है? मैक्सिमम 4 to 5 मिनट। 4 to 5 मिनट की ना। तो कैसा क्या रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर? मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, चलिए फ्लाइंग हो रही है। ये थे हमारे साथ पायलट साहब जो यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही हमारे साथ और भी पर्यटक हैं जो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो राइड का मजा ले रहे हैं, दूर से देख भी रहे हैं। सबसे पहले सर, जैसे मैडम जी आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं? यस। तो क्या सुना था आपने यहाँ के बारे में? नहीं सुना नहीं था कुछ खास, बेटे की फ्रेंड थी, हाँ उसने बताया, तो घूमने आ गए, हमें अच्छा लगा, रिवर बहुत अच्छी लगी, नदी बहुत अच्छी लगी। जैसे आप यहाँ पर बैठ के पैरा मोटर देख रहे हैं, तो इसको उड़ते हुए कैसा लग रहा आपको? अभी जब उड़ेगा तो देखेंगे, तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई देखने के लिए बैठ गए ना। तो जैसा हनुमंतिया टापू के बारे में कहा गया, नदी के बारे में कहा गया, अभी तक अंदर गए कि नहीं आप? काफी गए अंदर, वहाँ पे जहाँ बोटिंग हो रही है वहाँ जाके आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब हम, आपको पता है दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है, हमें मतलब काफी अच्छा लगा, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। यह थे पर्यटक जो नए साल में हनुमंतिया आ रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हमने आपको दो पर्यटक से मिला, एक दिल्ली से है, एक महाराष्ट्र से है। इसी तरह मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य कोने, जिले जिले से यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, पैरा मोटर की जो राइड होती है, जो मिनी हेलीकॉप्टर है, उसका भी आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर दर्शकों की जो है और यहाँ आने वाले सैलानियों की जो है पहली पसंद, पर्यटन केंद्र हनुमंतिया में पैरा मोटर बन रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, राइड भी चल रही है। पुनासा से एशियन भारत के लिए आनंद दराड़। मौज मस्ती के लिए इस जगह पर साल भर जाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा समय जल महोत्सव के दौरान आता है। जल महोत्सव हर साल नवंबर जनवरी तक आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव 20 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो पूरे एक महीने यानी 20 जनवरी तक चलेगा। पुनासा से आनंद दराड़ी की खास रिपोर्ट।